हैं कि इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर में रिंग रोड साउथर्न लूप 3 का काम काफी तेजी के साथ जारी है। एक महीना पहले यहाँ पर आपको कोई भी डेवलपमेंट नजर नहीं आती थी और इस टाइम बड़ी फास्ट पेस के ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फहद खोजा और आप देख रहे हैं कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, हम अपने चैनल के थ्रू मल्टीपल टाइम्स आपको बता चुके हैं कि इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर में रिंग रोड साउथर्न लूप 3 का काम काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है, जहाँ पे इस टाइम डेवलपमेंट का काम चल रहा है। बहुत सारे लोग इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कर रहे हैं, कमर्शियल प्लॉट्स में कर रहे हैं और आने वाले 1.5 से 2 साल में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। आज व्यूअर्स, अगर आप फ़ज़ाइया फेज़ 1 की प्राइसेस को देख लें, लेक सिटी की प्राइसेस को देख लें, DHA के डिफरेंट फेजेस की प्राइसेस को देख लें, तो बहुत ज़्यादा आपको प्राइसेस मिलती हैं। व्यूअर्स, उसकी एक ही वजह है कि इस टाइम वहाँ पे रिंग रोड के आपको इंटरचेंजेस मिलते हैं, लोकेशन मिलती है। इस वजह से जिन लोगों ने भी वहाँ पे सही वक्त के ऊपर राइट टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की थी, आज उनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्लॉट्स बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में हैं। सेम इसी तरह व्यूअर्स, आज जो लोग बैरियर टाउन लाहौर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे बैरियर टाउन लाहौर में वो कोई रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपार्टमेंट्स में कर रहे हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट्स में कर रहे हैं, कमर्शियल शॉप्स में कर रहे हैं या कमर्शियल प्लॉट्स में कर रहे हैं, सेम इसी तरह जैसे ही 1 साल के अंदर रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगी, वही सेम इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। इस टाइम जिस लोकेशन के ऊपर मैं मौजूद हूँ, ये व्यूअर्स बैरियर टाउन लाहौर का गोल व्यू रेजिडेंशियल ब्लॉक फेज 2 है। मेरे पीछे आपको जितनी भी लैंड नज़र आ रही है, ये जितनी भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, आपको प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं, ये GVR फेज 2 की लोकेशन है। वो सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइम रिंग रोड की डेवलपमेंट का काम चल रहा है। यहाँ तक रिंग रोड कंप्लीट हो जाती थी, इसके बाद जितना भी पैच है यहाँ पर एक 8 किलोमीटर का पैच बनाया जा रहा है, जो GVR फेज 2 से स्टार्ट हो रहा है और NFC फेज 2, जो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके ए ब्लॉक में आपको पंजाब का सबसे बड़ा इंटरचेंज मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये रिंग रोड साउथर्न लूप 3 की डेवलपमेंट चल रही है। एक महीना पहले यहाँ पर आपको कोई भी डेवलपमेंट नजर नहीं आती थी और इस टाइम बड़ी फास्ट पेस के ऊपर यहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। इसके अलावा व्यूअर्स, बैरियर टाउन लाहौर के जो डिफरेंट एरियाज है, चाहे वो GVR फेज 1 की लोकेशन है, रफ़ी ब्लॉक है, ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक है, इकबाल ब्लॉक की लोकेशन है, तल्ला ब्लॉक, ओवरसी सी ब्लॉक, हर ब्लॉक में इस टाइम बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट चल रही है। ये जो आप मशीनरी देख रहे हैं, FWO कंपनी की एक बड़ी तादाद में मशीनरी यहाँ पे डिप्लॉय है, डेवलपमेंट का काम चल रहा है। और इस टाइम आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैरियर टाउन लाहौर का कोई भी ब्लॉक है, चाहे 5 मला का प्लॉट है, 10 मला या 1 किनार के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉप्स में, अपार्टमेंट्स में, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे व्यूअर्स, इस टाइम जो कमर्शियल प्लॉट की प्राइस स्टार्ट हो रही है, वो मिनिमम 2 करोड़ से लेकर 2.75 करोड़ तक आपको मिलती है। और ठीक 3 महीने पहले आप चले जाएँ, यही जो 2.5 करोड़ वाला कमर्शियल प्लॉट था, वो 1.80 के अराउंड आपको मिलता था। तो व्यूअर्स, इस टाइम बैरियर टाउन लाहौर के हर ब्लॉक में, हर अपार्टमेंट में, हर कमर्शियल शॉप में, हर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट में इस टाइम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ये राइट टाइम है, इस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बैरियर टाउन लाहौर में इस टाइम 5 मला जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, उसकी मिनिमम जो प्राइस स्टार्ट हो रही है, 65 लाख से लेकर 1 करोड़ 35 लाख अराउंड 5 मले का आपको प्लॉट मिल जाता है। लोकेशन वाइज प्राइसेज हैं, कहीं पर प्राइसेज कम है, कहीं पर प्राइसेज ज़्यादा हैं। और 10 मले का प्लॉट अगर आप लेना चाहते हैं, इस टाइम मिनिमम जो प्राइस स्टार्ट हो रही है, वो 82 लाख से हो रही है, जो आपको सेक्टर जी में 10 मले का प्लॉट मिल जाता है। और मैक्सिमम जिस टाइम प्राइस जा रही है, वो आपको 2 करोड़ 50 लाख के अराउंड मिलती है, जो आपको सेक्टर सी के ब्लॉक्स में मिलेंगी। लोकेशन वाइज प्राइसेज हैं, कहीं पे प्राइसेज ज़्यादा हैं और कहीं पे कम है। इसी तरह इस टाइम जो केनाल का प्लॉट है, वो मिनिमम आपको मिल रहा है 1 करोड़ 85 लाख के अराउंड, 1 करोड़ 85 लाख से लेकर इस टाइम 3.5 करोड़ तक आपको 1 केनाल का प्लॉट मिल जाता है। 5 मला का अगर आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाह रहे हैं, तो इस टाइम व्यूअर्स मिनिमम जो प्राइस स्टार्ट हो रही है, 1 करोड़ 80 लाख में आपको प्लॉट मिल जाता है और मैक्सिमम 12 करोड़ तक भी इस टाइम प्राइसेज जा रही हैं। तो बैरियर टाउन में किसी भी बजट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, चाहे आपने रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट करनी है, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है, कैश पेमेंट के ऊपर अगर आप कर सकते हैं या इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है।
आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझे रابطہ कर सकते हैं। कोशिश होगी कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइड किया जाए, बेहतरीन प्रॉपर्टी आपको लेके दी जाए, कल को जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो व्यूवर्स मजीद मालूम के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रابطہ कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333314300। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।